हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विश्वतंत्र में। मैं हूं अविनाश सिंह और हम कर रहे थे आईपीसी। आईपीसी के अंदर ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हम लोग अध्याय 11 के अंतर्गत चीजें देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी धारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी धाराओं को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अध्याय 11 कवर करने से पहले हमने जो पिछली क्लास में चीजें देखी थी वो देख लेते हैं, जिसमें हमने अध्याय 10 और अध्याय 9A के बारे में जाना था। यह था हमारा निर्वाचन से संबंधित अपराध, अध्याय 10 में हमारा था कि जो लोक सेवक की आज्ञा की अवज्ञा संबंधी अपराध होते हैं, लोक सेवक की आज्ञा की अवज्ञा, ये दोनों हमने किए थे पिछली क्लास में। ठीक है, निर्वाचन संबंधी अपराध हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में यूपी में क्या हुआ है, इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए इनका आने का चांस भी बढ़ जाता है। तो वो हमारा अध्याय 9 में है। धाराओं की बात करें तो 171 ए से लेके 171 आई तक इसमें चीजें कवर की गई है। वही अध्याय 10 की बात करें तो हमारा इसमें 161 से लेके 172 से लेके 190 तक चीजें कवर की गई हैं। यानी कि धाराओं की बात करें तो अध्याय 10 के अंतर्गत धाराएं हमारी 172 से लेके 190 तक, 9A में धाराएं थी हमारी 171 ए से लेके 171 आई तक। अध्याय 9A का विषय था निर्वाचन संबंधी अपराध, वहीं अध्याय 10 का विषय है लोक सेवक की आज्ञा की अवज्ञा संबंधी अपराध। अब हम बात करते हैं अध्याय 11 की। तो अध्याय 11 की बात करें तो इसका जो विषय है हमारा वो है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। फाल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, साथ ही साथ जो हमारी चीजें होती हैं मिथ्या साक्ष्य। यानी कि मिथ्या साक्ष्य का मतलब क्या है कि झूठे साक्ष्य, जो फाल्स एविडेंस होते हैं उनके बारे में किसी पे आरोप, जैसे किसी पे आरोप लगाना और अपने जैसे किसी के फंसाने के लिए सबूत छोड़ना, ऐसी चीजें क्रिएट करना कि वो फंस जाए उस केस में, तो ये सारे क्या है, मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और हम अगर मिथ्या साक्ष्य को गढ़ेंगे या फिर मिथ्या साक्ष्य बनाएंगे, यानी कि झूठे जो साक्ष्य हैं वो क्रिएट करेंगे या फिर किसी के खिलाफ झूठी गवाही देंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा लोक न्याय का सिद्धांत है वो भी डगमगाएगा, यानी कि वो भी खतरे में पड़ जाएगा, जो हमारा न्याय होता है, पब्लिक जस्टिस होती है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें एक साथ की गई हैं। इसके अंतर्गत हम धाराओं की बात करें तो हमने अध्याय 10 में देखी थी 190 तक हम लोग धाराएं कर चुके थे। तो अध्याय 11 के अंतर्गत धाराओं की बात करें तो 191 से लेके 229 तक इसमें धाराएं कवर की गई हैं। इसमें से जो मेन धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चीजें कंप्लीट करेंगे हम लोग 191 से लेके 229 धाराओं तक। ठीक है, पहली धारा है हमारी 191। इस अध्याय 11 के अंतर्गत जो मिथ्या साक्ष्य और हमारा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध है उनमें पहला जो हमारी इंपोर्टेंट धारा है वो है धारा 191। ठीक है, तो 191 के अंतर्गत हम बात करें तो झूठा साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। झूठा साक्ष्य देना, ये इसका मतलब क्या है, झूठा साक्ष्य देना का मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी भी अधिकारी के सामने कोई भी अपना शपथ पत्र दायर करते हैं या फिर कोर्ट में जो गवाही देते हैं वो क्या होता है, एक तरह से साक्ष्य में माने जाते हैं।
तो झूठा साक्ष्य की बात करें तो झूठा साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे शपथ पत्र पर साइन, गवाही देना किसी केस में, तो ये सारी चीजें किस में शामिल होती है, हमारी झूठे साक्ष्य में, यानी कि साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये चीजें शामिल होती हैं। अगर हम इन सब चीजों में झूठ बोलेंगे या फिर झूठे तरीके से सारी चीजें करेंगे तो ये क्या हो गया, झूठा साक्ष्य हो जाएगा। तो झूठा साक्ष्य की परिभाषा की बात की गई है वो की गई है 191 में। तो अगली जो हमारी इंपोर्टेंट धारा है हमारी 192, इसके अंतर्गत बात की गई है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी कि क्रिएट करना, किसी को फंसाने के लिए ऐसी चीजें करना, ऐसे सबूत छोड़ना जैसे किसी का सर का बाल, फिंगरप्रिंट किसी और के नाम से करना, या फिर किसी और के कपड़े छोड़ देना, किसी और की गन लेके किसी को मार देना फिर उसका नाम आए, तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरह से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में शामिल की जाती हैं। तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी कि फैब्रिकेट करना फॉल्स एविडेंस, ठीक है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स या फिर क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस। तो इसके अंतर्गत हमारा जो दंड की व्यवस्था है वो की गई है धारा 193 में। धारा 193 कहती है कि अगर इन सब की वजह से अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया, अगर इसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को आरोप लगाया गया है, ठीक है, आरोप लगाया गया है तो उसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा यानी कि 3 भी मिल सकती है किसी को, यानी कि 0 से लेकर 7 ही लिख देते हैं क्योंकि 3 तक भी मिल सकती है, अलग अलग केस में अलग अलग सजा मिलती है। अगर किसी पे आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर हम फॉल्स एविडेंस तब क्रिएट कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं हम, तब क्या हो गया, हमें 3 साल तक की सजा मिलेगी। वहीं अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी वजह से उस पर अधिक कार्रवाई होगी, यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं या फिर झूठी गवाही देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, हमें 7 साल की सजा तक मिल सकती है अगर उसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए कुछ, ठीक है। इसके अंतर्गत जुर्माना भी लग सकता है या फिर जुर्माने के साथ सजा भी मिल सकती है। तो 7 साल तक सजा मिल सकती है नॉर्मली, और क्या हो सकता है, जुर्माना या फिर दोनों। तो धारा, तीनों धाराओं को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। धारा 191 कहती है झूठा साक्ष्य होता क्या है, झूठा साक्ष्य अगर किसी ने दिया है तो साक्ष्य के अंतर्गत जो चीजें शामिल होती हैं, शपथ पत्र पर साइन करना या फिर कोर्ट में गवाही देना, ये चीजें हमारी क्या है, साक्ष्य के रूप में होती हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। साक्ष्य की परिभाषा मैं बता चुका हूं, ठीक है, जो हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि कोई भी हमारा साइन हो, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का साक्ष्य यानी कि जो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं या फिर किसी शपथ पत्र में यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, साक्ष्य के रूप में हो सकते हैं। अगर हम वो सारे फॉल्स क्रिएट करेंगे यानी कि झूठे होंगे वो सब, तो क्या हो गया, धारा 191 लागू हो जाएगी। और हम ऐसा करते हैं कि धारा 191 के द्वारा किसी को सजा मिलती है और हम किसी को सजा देने के लिए या दिलवाने के लिए हम क्या करते हैं, झूठे साक्ष्य गढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर फैब्रिकेट करते हैं, बुनते हैं, तो क्या हो गया, तो धारा 193 कहती है कि ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर जुर्माने के साथ जेल, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये थी हमारी धारा 193। 191 में झूठा साक्ष्य की परिभाषा, 92 में बताया गया कि अगर हमने ये किया तो अपराध होगा, और 193 में बताया गया है कि उसके अंतर्गत कौन सी सजा दी जाएगी। तो ये थी हमारी धारा 191, 92 और 93। अगली इंपॉर्टेंट धारा है हमारी कि धारा 194, इसमें बोला गया है झूठे साक्ष्य से व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा मिली, झूठे साक्ष्य की वजह से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सकता है
यानी कि वो साक्ष्य ऐसे हैं, वो केस ऐसा है कि मृत्यु दंड मिल सकता है। तो क्या हो गया, अगर किसी व्यक्ति को झूठे साक्ष्य पेश करने की वजह से या फैब्रिकेट करने की वजह से क्या हो गया कि उसे मौत की सजा तक मिल सकती है, हमने अगर ऐसा काम किया है, कोई मर्डर केस में हमने किसी के खिलाफ झूठे साक्ष्य बुने हैं, तो हमारी सजा कितनी होगी, 10 साल तक। झूठे साक्ष्य बुनने के लिए अगर पता चल गया उसको मृत्युदंड देने से पहले, लेकिन अगर उस पर केस कौन सा चल रहा था, झूठे साक्ष्य पेश करने की वजह से मृत्युदंड का, तो मृत्युदंड का केस अगर किसी पे चल रहा है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, झूठे साक्ष्य पेश करते हैं या फिर बोलते हैं, तो हमें 10 साल तक सजा यानी कि कारावास, जुर्माना या फिर दोनों, ये चीजें मिल सकती हैं। साथ ही अगर ये सब करने की वजह से मृत्युदंड मिल सकता है, अगर यार किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, यानी कि किसी को फांसी हो गई, मृत्युदंड दिया ही नहीं गया केवल जज के द्वारा, बल्कि उसको मतलब एक तरह से अप्लाई भी कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया, और किसी को फांसी हो गई, तो क्या हो गया, जिसने भी ऐसा फाल्स जो हमारा एविडेंस है वो क्रिएट किया है या फिर फैब्रिकेट किया है, तो उसकी सजा कितनी होगी, 1 साल ही मिलेगा। अगर किसी को किसी की वजह से गलत व्यक्ति को, यानी कि जो हमारा बेगुनाह व्यक्ति था उसको फांसी हो गई किसी की वजह से, यानी कि किसी ने झूठे साक्ष्य गढ़े थे, तो उसको भी मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। ठीक है, अगर किसी ने झूठे साक्ष्य पेश किए हैं या फिर बनाए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उस पर कौन सा केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है या फिर ऐसा केस चल रहा है जिसमें मृत्युदंड तक मिल सकता है, तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी जिसने भी गलत एविडेंस बनाए हैं या फिर पेश किए हैं, और अगर उसको फांसी हो गई तो उसको भी फांसी हो जाएगी जिसने गलत एविडेंस पेश किए हैं। तो ये थी हमारी धारा 194। धारा 195 भी हमारी, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीजें बतानी थी इसलिए मैंने बता दिया। धारा 195 कहता है कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा मिल गई है तो क्या होगा, तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी जिसने भी फाल्स एविडेंस बनाए हैं या फिर पेश किए हैं। ठीक है, ये चीजें थी हमारी धारा 194 में। अब हम बात करते हैं काफी सारी धाराओं को छोड़ने के बाद धारा 211। धारा 211 अगली जो इंपोर्टेंट धारा थी हमारी वो है धारा 211। इसमें बोला गया है क्षति पहुंचाने के इरादे से किसी पर झूठा आरोप लगाना, अगर हम किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं, ये क्षति किस प्रकार की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक और संपत्ति। शारीरिक क्षति हो सकती है, मानसिक क्षति हो सकती है, या फिर संपत्ति की क्षति हो सकती है, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है किसी व्यक्ति को, तो उसके उस इरादे से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को झूठा साक्ष्य पेश करते हैं किसी के सामने, तो क्या होगा कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के संबंध में तो क्षति पहुंचाने के इरादे से, अगर शारीरिक, मानसिक और संपत्ति की क्षति को भी पहुंचाने के इरादे से क्या करता है, किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है या फिर झूठे साक्ष्य पेश करता है, झूठे आरोप लगाया या फिर मिथ्या आरोप लगाया या फिर ऐसे इस प्रकार के किए, तो क्या होगा, अगर इसमें क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं कि अपराधी को जेल हो गई, ठीक है, अपराधी को जेल हो गई और नॉर्मल जेल हो गई, यानी कि अपराधी क्या हो गया, एक तरह से गुनहगार पाया गया जो भी आरोपी था, और उसको नॉर्मल जेल हुई, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसमें सजा क्या मिल सकती है, यानी कि जिसको आरोप लगाया गया था
डिपेंड करता है ना भाई कैसा आरोप लगाया तुमने। जैसे अभी मैंने देखा था कि आजीवन कारावास के लिए अलग सजा थी, मृत्युदंड के लिए अलग सजा थी, ठीक है, और उसको फांसी हो गई तब के लिए अलग सजा थी। तो इसमें भी अलग अलग चीजें हैं कि जिस पर आरोप लगा था उसकी सजा अगर नॉर्मल जेल है, ठीक है, या फिर नॉर्मल जेल है, या फिर हमारे क्या है मृत्यु या फिर आजीवन कारावास है। इसमें से कौन सी सजा मिलती है जिस पर झूठा साक्ष्य पेश किया गया है जेलर के खिलाफ, तो उसके हिसाब से हमें क्या होगा, जिसने आरोप लगाया है दोनों कंडीशन में अलग अलग सजा मिलेगी। अगर केवल जेल हुई है यानी कि 10 साल की 5 साल की जितनी भी जेल हुई है तो उसमें क्या मिलेगा हमें, जिसने भी झूठा आरोप लगाया है तो 2 साल तक का कारावास मिलेगा उसको, जुर्माना या फिर दोनों। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें 7 साल तक का कारावास। जितनी सजा के खिलाफ हम लोग करेंगे किसी के खिलाफ, जितना भयंकर आरोप लगाएंगे उसी के हिसाब से हमें सजा मिलेगी। यार की धारा 211 को डिटेल में देखें तो क्षति पहुंचाने से, क्षति कौन सी हो सकती है, शारीरिक मानसिक और संपत्ति की क्षति। तो क्षति पहुंचाने के इरादे से किसी पर झूठा आरोप लगाया या फिर झूठा साक्ष्य पेश किया, मिथ्या साक्ष्य पेश किया गया या फिर मिथ्या आरोप लगाया गया, तो क्या होगा, जिस पर आरोप लगाया है तो उसकी अगर सजा जेल है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, ठीक है, 14 साल, या फिर मृत्युदंड आजीवन कारावास है, तो उसमें अलग अलग सजा मिलेगी। अगर जो जिस भी जैसे आरोप जिस पर आरोप लगा है उसको जितनी सजा मिलेगी उसी के अनुपात में, जिसने आरोप लगाया है झूठा उसके अनुपात में सजा मिलेगी। अगर उसको जेल हुई है नॉर्मल, ठीक है, तो 2 साल तक का कारावास मिल सकता है जिसने झूठा साक्ष्य लगाया है। वहीं अगर उसको मृत्युदंड का या फिर आजीवन कारावास की सजा मिली है तो 7 साल तक का कारावास मिल सकता है जिसने झूठा आरोप लगाया था। ठीक है, ये थी हमारी धारा 211। हमारी धारा एक और इंपॉर्टेंट है अगली, जैसे हमने देखा था एक अपवाद आपको याद है, जो हमारा दंड के बाद जो चौथा अध्याय था अपवाद, सामान्य अपवाद, उसमें हमने देखा था कि अगर कोई किसी को संश्रय देता है, किसी अपराधी को, या आश्रय देता है, हार्बर करता है, तो क्या होगा, वो एक तरह से खुद भी अपराधी माना जाएगा। ठीक है, वो खुद भी अपराधी माना जाएगा। लेकिन हस्बैंड और वाइफ अगर एक दूसरे को आश्रय देते हैं तो वो दे सकते हैं, उन पर एक दूसरे के खिलाफ आश्रय करने का या संश्रय देने का क्या होगा, मुकदमा नहीं चलेगा। तो अपवाद के अंतर्गत हमने देखा था हार्बर कर सकता है हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को। तो उसी से संबंधित एक और धारा में हम बात करेंगे इसकी, धारा 212। धारा 212 कहती है कि किसी अपराधी को आश्रय या संश्रय देना, अब इसके अंतर्गत अपराधी यानी कि अगर अपराधी है मतलब जैसे आरोपी भी है तब भी इसको सजा मिल सकती है। आरोपी है मतलब एक तरह से प्रूव हो गया है कि वो आरोपी है, ठीक है, आरोपी है या फिर अपराधी सिद्ध हो गया है, उसको कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सजा सुना दी गई है, तब भी हो सकता है। या फिर वो आरोपी था, ठीक है, उसको केस में सजा भी सुना दी गई है लेकिन वो कोर्ट के सामने पेश भी हुआ था, रास्ते से भाग गया, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि अगर वो अपराधी है उसको अपराधी सिद्ध कर दिया गया है और फिर वो चाहे कोर्ट में पेश ना हुआ हो तब हम उसको आश्रय दे रहे हैं, या फिर वो क्या हो गया कोर्ट में पेश हुआ था बाद में भाग के चला गया, अगर हम उसको आश्रय या फिर संश्रय देंगे तो क्या होगा, तो क्या हो गया, हम भी अपराधी माने जाएंगे धारा 212 के तहत। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि अपराधी की सजा कितनी थी, अपराधी ने कितना भयंकर अपराध किया था उसकी सजा कितनी थी, उसी के हिसाब से जो आश्रय या संश्रय करता होगा उसकी सजा डिसाइड होगी। अगर अपराधी की सजा मृत्युदंड थी या फिर
आजीवन कारावास थी। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसी के अनुसार क्या होगा, हमें सजा मिलेगी। आजीवन कारावास यानी कि 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक कितनी भी हो सकती है। तो अगर उसको मृत्युदंड की सजा मिली थी तो संशयकर्ता को 5 साल का कारावास मिलेगा, जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं अगर ये था आजीवन का 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, तो 3 साल तक की सजा या 3 साल का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, ये किसको मिलेंगे, संशयकर्ता को। ठीक है, ये आपको चीज क्लियर हो रही होगी। अगर अपराधी को हमने आश्रय या संशय दिया है और अपराधी की सजा क्या थी, मृत्युदंड, तो जो संशय करता है उसको सजा कितनी मिलेगी, 5 साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, ये सजा मिल सकती है हमारी किसको, संशयकर्ता को या आश्रयकर्ता को। वहीं अगर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक उसका जो दंड अपराध था उसके हिसाब से उसको सजा मिली है, तो कितना हमें कारावास मिल सकता है, संशयकर्ता को या आश्रयकर्ता को, 3 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। लेकिन इस धारा के अंतर्गत अपवाद भी है, जो हम अपवाद वाले टॉपिक में पढ़ सकते हैं, पति पत्नी पे लागू नहीं होता। अगर पति चाहे तो पत्नी को हार्बर कर सकता है और पत्नी चाहे तो पति को हार्बर कर सकती है, उन पर हार्बरिंग का केस नहीं लगेगा धारा 212 के अंतर्गत, क्योंकि हम अपवाद वाले टॉपिक में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, यह थी धारा 212। अगली इंपोर्टेंट धारा है हमारी धारा 216 है। धारा 216 ए, 216 ए या फिर 216 का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बोला गया है लुटेरों या फिर जो हमारे डकैत होते हैं उनको आश्रय, आश्रय को या संश्रय को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक तरह से पनाह देना, किसी को रहने का स्थान देना, या फिर पुलिस वगैरह ढूंढ रही है तो बचाना, ये सारा क्या आता है, आश्रय या संश्रय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं है कि केवल इसे करके आए हों अपराधी हों तभी, या तो करने जा रहे हों या करके आए हों, कोई भी कंडीशन हो सकती है, यानी कि करने जा रहे हो और करके आए हो, दोनों कंडीशन में अगर आश्रयकर्ता या संश्रयकर्ता को पता है तो क्या सजा मिलेगी, आश्रयकर्ता या संश्रयकर्ता को। सात साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। अगर क्या होगा कि अगर कोई लूट करने जा सकता है या फिर डकैती करने जा सकता है या फिर डकैती करके आ रहा है या फिर लूट करके आ रहा है और आश्रयकर्ता या संश्रयकर्ता को पता है, जो रुकने का स्थान दे रहा है, जगह दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है उनको, तो क्या होगा, आश्रयकर्ता को सजा मिल सकती है इसके लिए धारा 216 ए के तहत, 7 साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। ये थी हमारी धारा 216। इसके अंतर्गत दोनों चीजें शामिल हैं, या तो लूट करके आया हो, डकैती करके आया हो, या फिर डकैती करने जा रहा हो और ये आश्रयकर्ता को ये बात पता हो। अगली हमारी धारा इंपोर्टेंट है वो है धारा 224। धारा 224 कहती है कि अपने पकड़े जाने के विरुद्ध जो हम बाधा डालना, यानी कि अपने पकड़े जाने में बाधा डालना या फिर उसका प्रतिरोध करना, अपने पकड़े जाने में
बाधा डालना या प्रतिरोध करना। जब विधि के द्वारा आबद्ध हो, जैसे आपने कोई अपराध किया, आप किसी अपराध के आरोपी हैं या फिर अपराधी हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो आरोपी हो या फिर अपराधी। आरोपी भी हो सकता है, अपराधी भी हो सकता है। जब अपराध सिद्ध हो जाता है किसी का, जैसे किसी पे आरोप लगता है, मतलब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो क्या होता है, आरोपी, उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने ये कार्य किया है। वही अपराधी का मतलब होता है जब ये सिद्ध हो गया कि जो आरोप लगाया गया था वो उसी ने किया है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो वो क्या होता है, अपराधी। ठीक है, तो आरोपी हो या अपराधी हो, जब पुलिस किसी को पकड़ने आए किसी भी जुर्म के लिए, तो क्या होता है, वो अगर अपने पकड़े जाने में बाधा डालता है या उसका प्रतिरोध करता है, उसको पकड़ने नहीं आने देता या फिर भाग जाता है फरार होने का, तो वो अलग चीज है थी। लेकिन ये अगर प्रतिरोध करता है और पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाता है जो भी उसको पकड़ने आता है, तो क्या होगा, इसके अनुसार हमारी धारा 224 लागू हो जाएगी। अगर हम पकड़े जाने का प्रतिरोध करते हैं और आरोपी या फिर अपराधी हैं, तो क्या होगा, तो हमें सजा मिलेगी कितनी, 2 साल तक का कारावास। जुर्माना या फिर दोनों। ये सजा हमें मिल सकती है अगर हम अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध करते हैं, यानी कि अगर हम आरोपी हैं किसी भी केस में या फिर अपराधी हैं और हम अपने पकड़े जाने का क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, यानी कि विघ्न डालते हैं उसमें, तो क्या होगा, तो हम धारा 224 के अनुसार 2 साल के कारावास, जुर्माने या फिर दोनों के जो भुक्तभोगी होंगे, यानी कि हम पे ये सजा मिल सकती है। ठीक है, ये थी हमारी धारा 224। अब अगली इंपॉर्टेंट धारा है हमारी 228। इसमें बोला गया है न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान अपमान करना या फिर उसकी कार्यवाही में विघ्न डालना या तो हम किसी लोक सेवक जो जज है एक तरह से लोक सेवक यानी कि न्यायिक कार्यवाही में कौन बैठता है एक तरह से जज तो जज है उसका अगर अपमान करते हैं और वो न्यायिक कार्य कर रहा हो उस समय पे इस वजह से हम उसका अपमान करते हैं या फिर उसकी कार्यवाही में विघ्न डालते हैं तो हम पे धारा 228 लागू हो जाएगी और उसके अनुसार हम दंडनीय होंगे। कौन सी सजा से दंडनीय होंगे तो हमें दंड मिल सकता है 6 महीने का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। ये दंड हमें मिल सकता है किस लिए, अगर हम न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान करें या फिर उसकी कार्यवाही में विघ्न डालें तो। ठीक है, यह थी हमारी धारा 228, काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप न्यायिक कार्यवाही में बैठे किसी जज का अपमान करते हैं या फिर उसकी कार्यवाही में विघ्न डालते हैं तो आपको 6 महीने तक का कारावास मिल सकता है। अगली और अंतिम इंपोर्टेंट धारा है 229। अध्याय 10 के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो थी 191 से लेकर 229 तक, तो अंतिम धारा है इस अध्याय की धारा 229। इसके अंतर्गत बात की जा रही है जो हमारे न्यायिक अधिकारी होते हैं या फिर जूरी सदस्य होते हैं। पहले चीज चलती थी जूरी, वो क्या होती है, वो आजकल विदेशों में आज भी चलती है, अब ये जूरी का महत्व उतना नहीं रहा है भारत में। जूरी होती थी जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते थे, वो जज के साथ ही बैठते थे, वो पूरा जो भी मामला होता था उसको सुनते थे और जज के साथ वो भी अपनी राय देते थे बहुमत से, तो उनका फैसला भी काफी हद तक मान्य होता था। जैसे आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी, जैसे रुस्तम मूवी आई थी जो हमारे अक्षय कुमार की थी, उसमें जूरी के द्वारा फैसला दिया गया था, जूरी के सदस्यों को उसने अपनी तरफ कर लिया था।
तो जूरी के सदस्य होते हैं, जूरी के सदस्य जैसा बनना, उनका नाम यूज करना, उनका प्रतिरूपण करना, मैंने बताया था क्या होता है। तो अगर हम जूरी सदस्य का प्रतिरूपण करते हैं या फिर उनके जैसे कपड़े पहनते हैं और उनका नाम यूज करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो भी हम क्या होंगे, अपराधी होंगे और हमें जो सजा मिलेगी कितनी मिलेगी, 2 साल तक का कारावास। जुर्माना 2 साल तक का कारावास का मतलब ये नहीं है कि 2 साल ही मिलेगा आपको, जज डिपेंड करेगा, जज के आधार पर डिपेंड करता है कि जज क्या सोच रहा है, आपने कौन सा काम किया है जूरी सदस्य का प्रतिरूपण करके, उसका क्या प्रतिफल निकला है। तो आपको 1 महीने से 1 दिन से लेकर कितनी, 2 साल तक की सजा मिल सकती है। 2 साल तक का मतलब है 2 साल से कम भी दी जा सकती है, मैक्सिमम क्या है 2 साल तक है। तो हमारा अध्याय 11 में जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध वाला जो टॉपिक था, ठीक है, उसके अंतर्गत धाराएं हमारी 191 से लेके 229 तक वो सारी हमने कवर कर ली हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है, आपके अपने चैनल के साथ। आज के डिस्कशन में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद।